और नेक्स्ट टॉपिक हाउ ऑर्गेनिज्म आर मेड। ओके, हमने पहले देखा कि क्लासिफिकेशन में क्या था। क्लासिफिकेशन द ग्रुप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। हाउ ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ साइंटिफिक नेम। यहां पर जो कार्लस लिनियस ने साइंटिफिक नेम्स यहां पर दिए थे, दैट ऑर्गेनिज्म हैव अ साइंटिफिक नेम बिसाइड्स द नेम ऑफ इट्स ओन इन पर्टिकुलर एरिया। मींस यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि जब जब जैसे जैसे हम एरिया चेंज करते थे, जैसे जैसे हम एरिया चेंज करते थे, द ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हमें देखते थे। इसलिए टू स्टडी देम वेल एंड टू विदाउट एनी कंफ्यूजन, ओके, तो द साइंटिस्ट ने उसे सेम नेम दिया, साइंटिफिक नेम दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कि मैंगो का, मैंजिफेरा इंडिका एंड ह्यूमंस का, होमो सेपियंस, यहाँ पर डिफरेंट नेम दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज इन नेम इन इंग्लिश, आम इज हिंदी एंड मैंजिफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम। इन साइंटिफिक नेमिंग जीनस एंड स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेंशन्ड। ओके, द साइंटिफिक नेम्स हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड कंस्टिट्यूट द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ सिंगल स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम में उसी एक आइडेंटिटी छुपी रहती है, ना इसे हम पता कर सकते हैं। इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ओवर वर्ल्ड, मींस सेम नेम होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स नेम द जीनस टू विच इट इज बिलोंग एंड टू द विच कैपिटल लेटर एंड द नेक्स्ट ऑफ द स्पीसीज विल बिलोंग एंड बिगिन विद द स्मॉल लेटर। मींस अगर पैंजिफेरा इंडिका है तो कैंजिफेरा इंडिका का जो एम है वो कैपिटल रहेगा और इंडिका का जो आई है वो स्मॉल रहेगा। अगर हम हाथ से A scientific name is always written either in italic or underline. अगर हम कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमने italics लिखना होगा, और अगर हम handwriting से लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें underline करना होगा। Having two names in the binomial system of nomenclature introduced the Swedish naturalist Carlos Linnaeus, means हमने खुद का नाम भी, उसने कार्ल वॉन लीन था, लेकिन उसने खुद का नाम भी साइंटिफिक नेम में लिखा है, जो कि कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस ने। एंड यहां से नोमेनक्लेचर, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यहां से स्टार्ट होता है। द बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर्टेन्स टू द टू वर्ड नेमिंग सिस्टम। बायनोमियल मींस टू नेम एंड नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग। Who's who in the living world? Okay, the classification of kingdom, plant, and animal. Every organism belongs to one of the five kingdom of life, like kingdom Monera, includes microscopic single cell with cell with no proper nucleus, example of bacteria. Okay. Next is kingdom Protista, includes single cell organism with well formed nucleus, example amoeba and malaria parasite and chlamydomonas. Kingdom fungi, okay, includes multicellular or many cell organisms, body made of network or thread like a hyphae, and the kingdom feed on the fungi feed on the dead decay material. There are saprophyta, mushroom, yeast or bread mold. Okay, हमने bread mold भी देखा है। Kingdom plant includes the multicellular eukaryotes with cellulose wall. Okay, यहाँ पर cellulose wall होता है cell wall में, and chlorophyll present in the cell. में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पांसिबल होता है हमारे ऑटोट्रॉप्स में, ऑटोट्रॉप्स एंड दस कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और पूरे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस है उनको अपने आप पर फीड करते हैं। मींस दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द अर्थ एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर फूड। ओके, द किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म with the following characteristics. The multicellular eukaryotic, the animal ke hoge multicellular eukaryotic, heterotrophic, so feed on plants and the other animals. Okay, the feed on plants and other animals means the animals hai unko divide kiye carnivores and herbivores and omnivores. Jo carnivores hote hai wo the flesh par depend karte hain, other animals jo herbivores hote hai they just depend on the plants and the vegetarians, and the omnivores which can eat plants as well as flesh. Possess special organs for locomotion, motion from one place to another. Animal के पास special organs present होते हैं, जैसे कि हमारे limbs हो गए, which helps in our locomotion from time one place to another place. Now possess nervous system in sense. We have our sense where the most of body stored is our sense organ, that is our skin. Okay, तो यहाँ पर skin से हम sense कर सकते हैं, जो कि हमें हमारा पूरा sensory
नर्वस सिस्टम है हमारा, जो कि हमें कुछ भी टच, पेन प्रेशर, टेम्परेचर, देन स्टिमुलस को हमें इंडिकेट करता है और उसके मुताबिक इंटरैक्ट करने में, फियर करने में हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्या प्लांट को क्लासिफाई किया गया है फॉर द फोर किंगडम्स, क्या एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। ओके, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा में आ जाता है हमारा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एल्गी का हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, नो स्पेशल रूट्स, स्टेम और लीव्स, देयर रिमेंस। एल्गी को हम कह सकते हैं कि देयर इज नो स्पेशल और डिफरेंट, द बॉडी ऑफ एल्गी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। यहां पर ब्रायोफाइटा की जब बात करें, द रूट्स लाइक हाइपे बट नॉट रूट्स, एग्जांपल लीव मॉस एंड मॉसेस। वेयर रूट्स लाइक हाइपे, ओके, जस्ट root like structure is present but they are not a true roots, okay, but they are not true roots, example of your liverwort, some mosses and articulturia, okay, they are the certain examples of the bryophyta. Next is pteridophyta. The pteridophyta are the have well defined roots, they have stems and spore bearing leaves below bear them. Pteridophyta is can say that the connecting link between the evolution of bryophyta from plants, actual plants. तो स्पर्मेटोफाइटा है जिसे नाम दिया गया सीड बेयरिंग प्लांट। तो सीड बेयरिंग प्लांट जब हम सीड की बात करते हैं तो उसमें देयर आर टू टाइप, देयर आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पर नेकेड सीड्स, ओके, तो वहां पर जो सीड्स होते हैं वी कैन सी विद, ओके, वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आईज, नो फ्लावर्स, सीड्स नेकेड एंड नॉट एनक्लोज इन अ फ्रूट, ओके। तो जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज नहीं रहते फ्रूट में बट वी कैन सी विद आवर नेकेड आईज। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स बेयर सीड्स, ओके, ऐसे प्लांट जो फ्रूट्स में, सीड्स फ्रूट्स में रहते हैं और फ्लावर में, जो भी हमारे पूरे प्लांट किंगडम में जो भी प्लांट है, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फ्लावरिंग कर रहा हो वो डायरेक्टली आता है एंजियोस्पर्म में। ओके, तो बाय सीइंग देम फ्लावरिंग वी कैन से दैट दिस प्लांट और एनी एग्जांपल इज बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। जब बात करें हम एनिमल के क्लासिफिकेशन, एनिमल में बहुत वाइड और बहुत कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन किया गया है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। किंगडम एनिमिलिया में नोटोकॉर्ड मींस कॉर्डेट्स, नॉट नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, अगर नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में डिवाइड किया था तो बेसिकली नोटोकॉर्ड देखोगे तो नोटोकॉर्ड इज अ सॉलिड रॉड लाइक टिश्यू, एक सॉलिड रॉड लाइक टिश्यू प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, मींस हमारे पीछे के साइड में, बॉडी के पीछे के साइड में प्रेजेंट रहता है एंड कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रोटेक्टेड रहता है इन द वर्टिब्रल कॉलम एज इन ह्यूमंस, ओके। तो नॉन कॉर्डेट्स की जब बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में आता है पॉलीफेरा, सिनेट्रिया एंड प्लेटिहेलमिंथीस, ओके, पॉलीफेरा, सिनेट्रिया एंड प्लेटिहेलमिंथीस। तो धीरे धीरे तीन सारे फाइलम को हम पढ़ेंगे। तो फाइलम पॉलीफेरा हैज इररेगुलर बॉडी बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट with pores or ostia for entry of the water containing oxygen and fluid, okay, so pores or ostia hoti hai jo ki water basically they are aquatic and water aquatic living organism, so they have pores on their body, to unke bodies pe pores hote hai for entry of water or basically oxygen and food, okay, tiny pores, tiny species of sponges can regenerate into food, means jo ki yahan par regeneration properties hoti hai kai sponges mein, क्योंकि स्मॉल पार्ट ऑफ स्पॉन्जेस में से पूरा इंडिविजुअल ग्रो हो सकता है, एग्जांपल अगर पर साइकॉन एंड सर्टेन स्पॉन्जेस। नेक्स्ट इज सिनेट्रिया, दे हैव टेंटिकल्स सराउंडेड द माउथ, ओके, तो टेंटिकल्स सराउंडेड माउथ होता है, माउथ के आगे वाले टेंटिकल्स रहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट, मींस फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन द स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट, वी कैन देम हेल्प देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और बडिंग भी यहाँ पर की था, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स, एनिमोन्स, तो यहाँ पर ये सारे उसके जैसे यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द होल किंगडम बाय जस्ट एग्जाम्पल, ओके, एक आइडियल एग्जाम्पल आपको चूज करना होगा जिसको डिस्क्राइब करके आप पूरे किंगडम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटिहेलमिंथीस, ओके, प्लेटिहेलमिंथीस द फ्लैट बॉडी, उनकी बॉडी फ्लैट होती है, मोस्टली पैरासिटिक वॉर्म्स, ओके, मींस पैरासिटिक रहते हैं, मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फॉर फूड विदाउट हार्मिंग देम, सम फ्री लिविंग, एग्जांपल टेप वॉर्म, लीवर फ्लूइड, प्लांगरा, मेनी डिजीज आर कॉज ड्यूरिंग द प्लेटिहेलमिंथीस। नेक्स्ट इज
cell membranes, okay? Phylum S cell membranes. They are flat body, but same characteristics with rounded body, okay? They have round body, parasitic living free. Example, okay, yahan par Ascaris, P. worm, okay? Next is Annelida. Annelida means Annelida com padte hain to hume aata hai segments, means Annelida thoda sa meaning segments bhi hota hai. Segmented body excreted by nephridia, okay? Yahan par excretory system mein outer part hota hai, yahan par nephridia. Hermaphrodite, यहाँ पर male and female organ the same individual भी होता है. Example यहाँ पर हो गया earthworm, okay? यहाँ पर earthworm भी Annelida का example है, जिसमें male और female दो अलग अलग organisms नहीं रहते पर सेम ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एग्जाम्पल earthworm, leech and nereus. Next is phylum arthropoda. Phylum arthropoda, okay? The joint legs होते हैं. Arthropoda में सारे insects आ जाते हैं, हमारे पूरे insects आ जाते हैं. They are joint legs, body divided into head, thorax and abdomen. यहाँ पर arthropoda की body को हम divide कर सकते हैं head, thorax and abdomen में. Body is covered with cuticle, okay? Layer above the skin made up of hair, subsequent chitin means एक exoskeleton present रहता है. एक exoskeleton present रहता है made up of chitin. Example insects, spiders, scorpion, prawns and crabs. Echinodermata. Echinodermata, flat or globular deep sea animal. Okay, the sea animals. Every organism in beyond this phylum has five arms, a division body. Example okay, यहाँ पर starfish, okay, spiny, skinny arm body means जितने भी organism इसमें आते हैं Echinodermata में सबके पास पांच arms होते हैं, okay? Phylum Mollusca means soft, unsegmented body enclosed in hard shell made up of calcium carbonate. यहाँ पर snails आ जाते हैं इसमें. Oysters आ जाते हैं. Muscular foot की बात करते हैं यहाँ पर octopus भी इसमें रहते हैं. और नेक्स्ट हमारा ये सारे थे नॉन कॉर्डेट्स. और हमारा नेक्स्ट है कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमें सब फाइलम आता है वर्टीब्रेट. ओके, वर्टीब्रेट मींस जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द वर्टीब्रल कॉलम. मींस पहला है कॉन्ड्रिसाइट्स. ओके, कॉन्ड्रिसाइट्स एंड ऑस्टिसाइट्स, दे आर द एक्वेटिक डिवीजन. हमें ऐसे याद रखना है वर्टीब्रेट में दीस आर द एक्वेटिक डिवीजन. मींस क्लास कॉन्ड्रिसाइट में मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ओके, मेड अप ऑफ कार्टिलेज. स्केलेटन नहीं होता. स्केलेटन की जगह स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना है, बोन्स नहीं होते. मराइन फिश प्रेजेंट रहती है. सेवन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स. ओके, वहां से गिल स्लिट्स का सेवन पेयर रहता है. एग्जांपल शार्क्स एंड वे. अब शार्क्स एंड वे इसका एक और एग्जांपल है कि इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है. जिसकी वजह से उन्हें कंटिन्यू स्विम करना पड़ता है क्योंकि वो डूब ना जाए. ओके, अगर एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहेगा जैसे कि ऑस्टिसाइट्स में, ओके, तो उन्हें कंटिन्यू स्विम नहीं करना पड़ेगा. विच कैन टेक रेस्ट फ्रॉम स्विमिंग. ओके, स्विमिंग करते करते वो रेस्ट ले सकता है, वो डूबेंगे नहीं. नेक्स्ट इज ऑस्टिसाइट्स में एयर ब्लैडर रहता है. दे आर द बोनी स्केलेटन फाउंड इन बोथ सी एंड वाटर. एंड गिल्स फॉर ब्रीथिंग कवर्ड बाय ओपरकल. यहाँ पर गिल्स के कवर भी नहीं रहते हैं ओपरकल, यहाँ पर गिल्स के कवर रहता है ओपरकल. एग्जाम्पल हो गया रोहू एंड कतला. बेसिकली दे आर यूज इन ह्यूमंस उसे खाने में यूज करते हैं. नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया. एम्फीबियंस मींस व्हिच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर. With the land, but they lay eggs in water where the life of history is completed. Both adapted to both water or land where they adapt to it. Breathe with lungs. Okay, breathe with lungs. Who lungs are breathe? That means, example, okay, frog and salamander has lungs. Okay. Class Reptilia. Okay. So Reptilia होता है वो crawling animals रहते हैं. Means वो crawl करते हैं, अपना जो surface होता है वो crawling करते रहते हैं. Animals which lay egg on land, body covered with scales. Example of crocodile, turtles, snakes, lizard. Class Aves. Class Aves की जब हम बात करें, Class Aves, they are the aerial mode of life, means which can fly. Okay, जो कि fly कर सकते हैं, वो सारे हो गए aerial mode. उनके characteristic features होती है, यहाँ पर लिखी है, मैं वापस एक देख लेंगे मतलब, the four limbs.
जो फोल्डिंग्स रहते होंगे वो विंग्स में मॉडिफाइड रहते हैं एंड जो बोन्स होलो बोन्स रहते हैं मीन्स जो बोन हो गए अगर ऐसा बोन है तो वो बीच में से रहता है डॉट 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 होलो बोन्स रहते हैं जो कि बॉडी को लाइट इन वेट बनाते हैं और विच कैन एबल टू फ्लाई बीक फॉर फीडिंग और जो माउथ होता है टीथ के जगह टीथ नहीं होते उनकी बीक होती है बीक फॉर फीडिंग होती है एग्जांपल हो गया यहां पे बर्ड एंड क्लास में बन गया ओके क्लास में मैमलिया का एक कॉर्डेक्टिक फीचर है कि दे जो अपने यंग वंस होते हैं अपने बच्चे होते हैं उन्हें अब मिल्क फीड करती है अपने मेमोरी ग्लैंड्स को मेमोरी ग्लैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर देयर यंग वंस बॉडी कवर्ड विद हेयर विद हेयर स्किन एज अ लोग यहां पर माउस मैन काउ ओके काउ उनके बॉडी हेयर से कवर है इंडेक्स को हम देख लेते हैं फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कैट कैट का साइंटिफिक नेम देख के आपको हम सॉल्व करेंगे तीनों में इन द फॉलोइंग टेबल पुट प्लस फॉर प्रेजेंट एंड माइनस फॉर एब्सेंट सो द डिफरेंट ओके द प्लांट्स में प्लस रहता है माइनस मसल्स माइनस प्लस नर्व्स माइनस प्लस लोकोमोशन माइनस प्लस लीव्स एंड रूट प्लस माइनस एंड माउथ एंड एनस माइनस ओके ये हो गया सी द पिक्चर ऑफ द टू आर्थ्रोपोड्स शोन बिलो मार्क वन सिमिलैरिटी विद वन डिफरेंस सिमिलैरिटी यहां पर ये हो गई दे हैव एक्सोस्केलेटन ओके जॉइंट लेग्स ये सिमिलैरिटी हो गई और डिसिमिलैरिटी ये हो गई कि यहाँ पे इनके पास विंग्स है यहाँ पर विंग्स नहीं है ओके स्पाइडर में विंग्स एब्सेंट है ओके तो ये हो गया हमारा ए फंगस ओके ये हो गया मॉस सी ये हो गया फर्न और ये हो गया एल्गा डी राइट द नेम ऑफ द फाइलम टू विच ईच एनिमल शोइंग दिस फीचर ये हो गया मैमलिया अरे फाइलम हो जाए ना नेम द फाइलम टू विच ईच एनिमल शोज फाइलम ये हो गया कॉर्डेट C and N लिखेंगे आप, ओके? C and N लिखेंगे। Chordate, chordate, non-chordate, 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 हाई तरफ, non-chordate। Next topic is a conservation of biology, ओके? Conservation of biology. Having got an idea about the biodiversity, you must feeling that the human activities have put the lives of some other animals being in jeopardy, means in trouble. Some conscience must be telling you that don't all different species have right to live on the earth. You are right. You must all strive to conserve biodiversity because organisms are interdependent and together maintain and balance in this nature. The flora and fauna means plants and animals of our nation is our heritage. You have to conserve our heritage. Okay, तो यहाँ पर जो भी animals and plants हैं, जिनके हमारे forest हैं, जो पहले रहते थे forest में, उनका हम habitat छीन रहे हैं, for our benefit वो कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब हम उसे उनका habitat छीन रहे हैं, उनका habitat loss की प्रॉब्लम फेसिंग करवा रहे हैं तो हमें ऐसे सब थॉट्स को हमें अवेयर होना चाहिए और हमें उनको कंजर्व करना चाहिए रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी मेंटेनिंग हार्मोनी इन नेचर में बायोडायवर्सिटी मेंटेन इक्विलिब्रियम इन नेचर बिकॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव बायोडायवर्सिटी मेंटेन
मेंटेन रहेगी तो सभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई रिसाइकल्स ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर फीड डाइवर्सिफिकेशन। बैक्टीरिया एंड फंजाई है वो डेड एंड डीके मटेरियल को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पर फीड कर पाए। एल्गे एंड प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे एंड प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि खुद के लिए भी और ऑल हर्बिवोरस एनिमल्स फीड ऑन देम फॉर फूड। तो यहां पर अगर हर्बिवोरस प्लांट्स नहीं होंगे प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बिवोरस एनिमल्स भी यहां पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इंसेक्ट्स एंड बैट्स पॉलिनेट करोगे तो यहां पर ऐसा भी माना जाता है कि अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो 4 साल में ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एनिमल्स ऑल्सो डिस्पेयर सीड्स। ओके एनिमल्स ऑल्सो डिस्पेयर इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट deserts and aquatic bodies, wetlands sustain their own typical biodiversity, some of which part the unique food chains. Basically, यहाँ पर सभी organisms एक दूसरे पर interdependent रहते हैं। Means एक organism अगर extinct हो जाएगा तो उसको उसके ऊपर dependent रहने वाले या फिर indirectly dependent रहने वाले भी directly extinct हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें छोटे से छोटे organisms को भी यहाँ पर हमें protect करना चाहिए और हेल्प कंजर्व करना चाहिए। कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी टू डिक्रीज द इंक्रीज लैंड यूज्ड बाय ह्यूमंस रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस एंड बिल्डिंग रोड्स एंड ट्रेन लाइंस कैरिंग अ कल्टीवेशन हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मींस हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, रोड बनाना, ट्रेन लाइन बनाना, कैरिंग और कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करने की वजह से जो कि उनका जो हैबिटेट है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है और उनको एक्सटिंक्ट की नौबत आ रही है। इट इज ड्यू टू अवर ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट, और हमारी ही ड्यूटी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटेक्ट करें। द कंजर्वेशन कीप्स इकोसिस्टम स्टेबल। मींस अगर इकोसिस्टम स्टेबल होगी तो ह्यूमंस भी लंबे टाइम तक यहाँ पर जी सकेंगे, वरना ह्यूमंस को भी एक्सटिंक्ट होने में देर नहीं लगेगी। Human populations are also making excessive demand upon the environmental resources for food and energy and the generation of a lot of waste. Many plants have become extinct, some are close to extinct, that means endangered. Means close to extinct, that means endangered species need to be protected. Fish and mollusks stock have to be conserved and prevented from the over-exploitation, means for food. Means अगर ज्यादा हम ले ले तो वो फिर बाकी के लिए वो शॉर्टेज हो जाएगा, फूड नहीं मिलेगा एनिमल्स को, जिसके वजह से वो मर जाएंगे। एनिमल्स आर पोज्ड फॉर फॉर एंड आइवरी। मींस उनके हेयर्स है, उनकी जो क्रोमोडाइज है, उनकी स्किन है, उनकी वजह से उन्हें हम मार रहे हैं क्योंकि हम उनकी स्किन और आइवरी फॉर आइवरी हम ले सके। ईच ऑफ ईयर 10 मिलियन बर्ड्स फॉर वाइल्ड आर ट्रेड सम व्हिच इवन डाई इवन बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन। 10 मिलियन बर्ड्स को हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं बर्ड्स पे जो कि डेस्टिनेशन तक पहुंचते मर भी जाते हैं। मंकीज एंड टाइगर्स हैव बीन किल्ड फॉर मेकिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन। मंकीज एंड टाइगर्स को मार रहे हैं क्योंकि उनसे दवाई बनाई जाए। और बैन हैज बीन इम्पोज ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन एनिमल्स। यू माइट हैव हर्ड ऑफ वीरप्पन हु यूज्ड एन इलीगली कट ऑफ सैंडलवुड एंड सेल्ड। ओके यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर है, Operation Tiger and Operation Elephant are the projects that have been helping preventing the decline in the number due to the habitat loss. Means हमें aware हो गए हम कि yes इसकी वजह से उनको extinct हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने awareness फैलाई और Operation Tiger and Operation Elephant जैसे हमने projects run किए। How what you can do, हम क्या कर सकते हैं? You can spread awareness regarding the dwelling biodiversity. Means इतनी सारी biodiversity है, लेकिन वो भी अब कम होती जा रही है dwelling and the necessity of the conserving their habitats. उनके habitats को protect करना चाहिए। You can form a group with your friend and organize painting and chart making competitions, essay writings, declamations, slogan writing, contest. उतने में project करना चाहिए और conservation of biodiversity. And also hold a debate on issues of biodiversity conservation in our neighborhood. You may even write an intrigue piece to create awareness. You can use photographs of birds to make their greeting cards. So यहाँ पर हमें awareness basically हमारा main motto यही होगा कि हम awareness ज़्यादा से ज़्यादा spread करें, जिसकी वजह से वो conserve हो पाए. Okay? इसके लिए कम conserve हो गए. There are certain activities and let's see what we have. Enormous biodiversity occurring with all this. There are बहुत सारी biodiversity यहाँ पर आउट्स पर. Biodiversity is term is given a variety of different different.
biodiversity exists three levels: ecological, species, and genetic. Since there is an enormous variety of living beings or organisms, their study requires dividing them into groups. Such groups based on similarities and difference between the organisms are termed as classification and system. जो कि हमने ऊपर पढ़ा. Such grouping express evolutionary relationship between the organism as all the organisms are resulted through the process of group. Study of classification is taxonomy. All organisms are classified into their domain, means Archaebacteria, Eubacteria and Eukarya. Further on, there are the five kingdom classification: prokaryote, eukaryote, single cell, multi cell, and mode of feeding. Okay, ये थे हमारे criteria for dividing into five kingdom classification. According to absence of well-defined nucleus, prokaryotes belong to the kingdom Monera. Okay, यहाँ पर इसमें kingdom plant की algae का यहाँ पर kingdom animal is group in chordates, which are further divided into the phylum Porifera, Synaptera, Platyhelminthes, Anomalies, Annelida, Arthropoda, Mollusca, and Echinoderma. The chordate which are the chord at some stage are the chordate and उसका example है chondrocytes and osteocytes, amphibia, reptilia, eus and ये हो गए हमारे classes. Okay, define biodiversity already done. Global and Indian pattern biodiversity. Okay, hotspot हमारे तो eastern guard and western guard. Name the three domains ऊपर है. Five kingdom classification, state the kingdoms. Okay, Monera, Protista, Fungi, plant animal. Give an account of classification of kingdom plant. Do the divisions. Side example. Major difference of chordates and non-chordates. Okay. Rod like structure present at the back. Dorsal side. Name the phyla at which the wolf earthworm spawn. Okay. तो आपको ऊपर से refer करके आप देख लेना. और यहाँ पर कुछ justify. यहाँ पर हमारा chapter over होता है with the terminal analysis.